एनआरसी के मुद्दे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ता सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान वहां बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती भी की गई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पानी की बौछार की है। दरअसल ये एनआरसी का मुद्दा कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अरविंद केजरीवाल ने यह टिप्पणी की थी, जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अगर दिल्ली में एनआरसी लागू होता है तो सबसे पहले मनोज तिवारी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और उसके बाद से ही लगातार बीजेपी आक्रामक हो गई। बीजेपी के ये कार्यकर्ता के हाथों में झंडे पोस्टर लेकर सीएम आवास के बाहर इस वक्त ये कार्यकर्ता मौजूद है। दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर मौजूद हैं और लगातार उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन वो बैरिकेडिंग को पार करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं सीएम आवास की तरफ। और उनको रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है, पानी की बौछार की गई ताकि लोगों को वहां से हटाया जा सके। लेकिन कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी का हल्ला बोल दरअसल केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि केजरीवाल ने कल मनोज तिवारी को लेकर जो विवादित बयान दिया, जिसके बाद से ये कार्यकर्ता अब आक्रोशित हो गए हैं और लगातार उनका प्रदर्शन जारी है। कल जुबानी तौर पर ये देखने को मिला था और आज कार्यकर्ता सीएम आवास के बाहर पहुंचे हैं प्रदर्शन करने के लिए। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि अगर दिल्ली में एनआरसी लागू होती है तो सबसे पहले मनोज तिवारी, जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्हें दिल्ली छोड़नी पड़ेगी, जिसके बाद से दिल्ली बीजेपी जो है लगातार केजरीवाल पर हमला कर रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस वक्त सिविल लाइन पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर सीएम आवास है और सीएम आवास के ठीक बाहर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर पुलिस का दस्ता आपको नजर आएगा, बैरिकेडिंग लगी हुई है और बैरिकेडिंग के ऊपर जो लोग खड़े हैं ये दरअसल दिल्ली बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चा के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और ये तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले वाटर कैनन का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया इनको रोकने के लिए, क्योंकि कुछ लोग बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि पुलिस ने इनको पहले ही रोकने की कोशिश की है। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आप देखिए किस तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर पहुँचे कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, कल ना दिल्ली के संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उन्होंने कल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भाषा का उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि अगर एनआरसी अगर दिल्ली में लागू हुआ तो दिल्ली के जो भाजपा के जो अध्यक्ष हैं मनोज तिवारी जी, उनको भी दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा। ये बहुत ही जो है ना हम लोगों को अपमानजनक लगा है। पूरे पूर्वांचल के ऊपर में हम लोगों ने इसको ऐसे लिया है, क्योंकि अगर पूर्वांचल के बदौलत ही आज वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हैं वो, और वो ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। सारे पूर्वांचल के लोग, जितने महानगर हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, उसको बनाने वाले पूर्वांचल के लोग हैं। पूर्वांचल मोर्चा के जुड़े हुए कार्यकर्ता जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, वाटर कैनन की या गाड़ी जो है आपको यहाँ पर नजर आएगी, थोड़ी देर पहले वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस का दस्ता जो है यहाँ पर मौजूद है, तमाम पुलिसकर्मी जो हैं वो खड़े हैं और इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़कर इधर आने की कोशिश की थी, केजरीवाल के घर की तरफ जाने की कोशिश की थी, जिसको रोक कर डिटेन कर दिया गया है। करीबन 50 से 60 लोगों को अभी तक डिटेन किया गया है, लेकिन जितने भी लोग हैं उनको फिलहाल रोकने की लगातार कोशिश की जा रही है। दिल्ली दीपक रावत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, जरा और तस्वीरें दिखाइए, इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं वहां पर? जी देखिए, फिलहाल जितने भी प्रदर्शनकारी थे उनको वहां से खदेड़ दिया गया है। हालांकि ज्यादातर लोग जो थे वो बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ ही रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कि बैरिकेडिंग को तोड़कर इस तरफ सीएम आवास की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि पुलिस का एक बड़ा दस्ता वहां पहले से मौजूद था, क्योंकि बीजेपी के बाद कांग्रेस का भी वहां पर विरोध प्रदर्शन होना है केजरीवाल सरकार के खिलाफ, लेकिन तैयारी पहले से थी, इसलिए जो लोग बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे उन्हें वाटर कैनन से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जो लोग नहीं रुके उन्हें फिर डिटेन किया गया है। करीबन 40 से 50 लोगों की संख्या बताई जा रही है जिसको डिटेन किया गया और थोड़ी देर बाद इनको छोड़ भी दिया गया। लेकिन लगातार जिस तरीके से एनआरसी के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया मनोज तिवारी के खिलाफ, उसके बाद जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो इस तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं। फिलहाल पूर्वांचल मोर्चा का ये विरोध था, क्योंकि जो मनोज तिवारी हैं वो पूर्वांचल से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं एक बड़े नेता भी माने जाते हैं, बड़ा चेहरा भी माना जाते हैं पूर्वांचल का। ऐसे में इनका ये कहना था कि पूर्वांचल के लोगों पर कहीं ना कहीं निशाना साधा है अरविंद केजरीवाल ने, से मनोज तिवारी पर नहीं, और यही वजह है कि इस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब बीजेपी ने शुरू कर दिया है। तो ये विरोध प्रदर्शन दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता करते हुए, बैरिकेडिंग हालांकि उनको रोकने के लिए लगाई गई लेकिन उस पर भी चढ़कर उसे पार करने की कोशिश ये कार्यकर्ता वहां पर करते नजर आए, जिन्हें हालांकि पुलिस ने डेंग किया।
बाद में हालांकि इन्हें छोड़ भी दिया गया। हालांकि आप देखिए तस्वीरें, हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर ये कार्यकर्ता यहां प्रदर्शन कर रहे हैं और सीएम आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी इनको रोकने के लिए करना पड़ा है और कई लोगों को डिटेन भी किया गया, लेकिन इन सब के बाद जो कार्यकर्ता है वो अभी भी उतने ही जोर शोर से वहां पर प्रदर्शन करने के लिए जुटे हुए हैं और इन हालातों को पर काबू पाने के लिए पुलिस बल वहां पर मौजूद है और लगातार लोगों को वहां से हटाने का काम भी चल रहा है। तो न्यूज 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल केजरीवाल के खिलाफ ये बीजेपी का हल्ला बोल, क्योंकि केजरीवाल ने एनआरसी के मुद्दे पर जो विवादित बयान दिया उसके बाद अब जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कल आपको बता दें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केजरीवाल ने इस बात का जिक्र करा कि अगर एनआरसी दिल्ली में लागू होता है तो मनोज तिवारी को सबसे पहले बाहर निकाला जाएगा और उसी के बाद से ये विरोध प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से लगातार जारी है। और ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं हजारों की तादाद में और यहाँ प्रदर्शन करते हुए।